अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डीएमएच न्यूज़ के मकबूल तरीन प्रोग्राम पब्लिक स्लैब विद फहद नवाज़ के साथ आपका मेज़बान फहद नवाज़ खिदमत में हाजिर है। और 105 मुल्कों में बैठे हुए मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खसूसी आपके मेज़बान का प्यार भरा सलाम। अच्छा व्यूअर्स, मैंने ये सोचा कि इंडोर इंटरव्यूज़ बहुत हो गए, स्किट्स बहुत हो गए, तो क्यों ना समथिंग डिफरेंट, जैसे मकबूलियत बढ़ती आ रही है, थोड़ा इनोवेशन लाई जाए प्रोग्राम में, और ऐसे ऐसे छुपे हुए खजाने, गुप्त खजाने आपके सामने पेश किए जाएं, जो कि आपके लिए वाकई बायस भी हों, और ये जो किंग तो नहीं है लेकिन किंग मेकर ज़रूर हैं। ऐसे ही एक शख्सियत जो किंग मेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं, वो कोई और जनाब वसीम सलीम साहब हैं। ये स्पोर्ट्स की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, लोग बहबूद आबादी के लिए काम करते हैं या फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, तो आप यकीनन इंजॉय करेंगे इनकी बातों का। तो मैं अब बस करता हूँ, अब हम चलते हैं वसीम सलीम साहब के पास। जी वसीम सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम ब्रदर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? आप सुनाएं, प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ, अपने मुताबिक सब कुछ बताएँ प्लीज़। जी, फर्स्ट ऑफ़ ऑल फहद भाई, आई रियली थैंकफुल टू यू, आपने यहाँ पे आए हैं, और मैं आपके जो सी पूरी टीम की, आपके टीवी चैनल का, डीएमएच का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और अपना कीमती वक्त निकाला है। मेरा नाम वसीम सलीम है, और मुझे कोई स्पोर्ट्स की फील्ड में कोई 30 ईयर्स हो गए हैं काम करते हुए, स्कूल से स्पोर्ट्स अकेडमीज, और यहाँ पे डिफरेंट अकेडमीज को भी मैं रन कर रहा हूँ, और मैंने बहुत सारी अकेडमी जो सी अपनी ज़्यादा तौर पर रन की यहाँ पे, जिसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट भी है, आर्चरी है, फुटबॉल है, मार्शल आर्ट है, किक बॉक्सिंग है, स्विमिंग है, एरोबिक्स है, जो एरोबिक्स हमारी को भी हम आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और इंटरनेशनल लेवल पे भी अभी हम टूर भी एक करके आए हैं, और इसके अलावा दूसरी गेम्स में भी काफ़ी ज़्यादा हमने काम किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी, क्योंकि लोगों को ना स्पोर्ट्स की अवेयरनेस नहीं है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, ना कि सिर्फ स्पोर्ट्स से आपको हेल्थी एक्टिविटीज़ मिलती है, बल्कि थ्रू स्पोर्ट्स आप बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं, लाइक आपको जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स में स्पोर्ट्स बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, आपकी लाखों रुपए की फीसेज आपकी बच जाती हैं, और हम थ्रू स्पोर्ट्स हम बच्चों को प्रमोट करते हैं, उनको एडमिशन्स करवाते हैं। अच्छा वसीम साहब, एक क्वेश्चन है अभी मेरे जहन में आया, क्योंकि जब ये हारिस ने इंटरव्यू दिया अंडर 18 में, जब उन्होंने इंडिया को हराया तो उन्होंने एक बड़ा क्रिटिसाइज़ किया पाकिस्तान की टीम को, तो हारिस ने कहा कि जी हमने तो आपको नहीं कहा था कि आप छोटे छोटे बच्चे भेज दें, हालांकि वो हमारे पाकिस्तानियों से मतलब ज़्यादा कदावर थे और तगड़े थे, लेकिन हमारा जज्बा, क्योंकि हमेशा से ही नाज़रीन आपको भी पता ही है कि जब हम इंडिया से खेलते हैं तो हमारा जज्बा अपने अरूज पर होता है, तो उसमें कुछ ऐसे भी प्लेयर्स थे जो आपके सिखाए हुए थे, आपकी कोचिंग में वो खेले और उन्होंने इतना बड़ा मतलब माइलस्टोन अचीव किया, इतना बड़ा बेंचमार्क क्रॉस किया, तो ये इसमें आपके क्या ईगरनेस थी या क्या क्रियोसिटी थी कि आपने वॉलंटरली ही इतने बड़े बड़े ख़जाने और इतने नगीने आपने पाकिस्तान एक अंडर 18 क्रिकेट टीम को दे दिया? सर देखें, स्पोर्ट्स इज़ माई पैशन, और मैं जो सा स्पोर्ट्स को और टैलेंट को मैं खुद जो सा ना हंट करता हूँ, क्रिएट भी करता हूँ, तो मेरी जो सी ना ख्वाहिश होती है कि बस किसी भी प्लेटफॉर्म से मुझे उससे कुछ पर्सनल तौर पे मुझे फ़ायदा हो, मिले या ना मिले, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी भी टैलेंट को मैं किसी भी तरह जिसको भी मैं दूँ वो उसको आगे ले के आए, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड है, चाहे कोई भी वो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स की वो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उनको टैलेंट देता हूँ कि हमारे बच्चों का टैलेंट निकलना चाहिए, सामने आना चाहिए। डेफिनेटली जो इंडिया हमारे रवायती हरीफ हैं, इनके साथ पैशन बढ़ जाता है। मैं वाहिद, आप कह सकते हैं मैं पाकिस्तान का वाहिद एक ऐसी शख्सियत हूँ कि मैं इंडिया से ऑल इंडिया इंटर क्रिकेट स्कूल चैंपियनशिप भी जितवा के लाया हूँ किसी स्कूल को। हमारे पास हीरे मौजूद हैं जो अब तक आपके सामने नहीं आए थे, और अब आप अपने अपने मोबाइल्स पे, टीवी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे शख्सियात हमारे मुल्क में, कौन कहता है हमारे मुल्क में कमी है टैलेंट की, तो मैंने बात बीच में इसलिए टोकी कि आप अवेयर्ड हों ऐसी पर्सनैलिटीज़ से जो छुपी हुई हैं, ये लोग सामने नहीं आते, हम एक्सप्लोर करते हैं।
जी सर जी सर एक्चुअली जो ना बात मैं कहने वाली बात है ना वो ये है कि लोगों को ना अवेयरनेस नहीं है कि हमने काम को स्पोर्ट्स के जरिए हमने फ़ायदे कैसे उठाने हैं और कैसे हमने चीज़ों को मैनेज करना है। बहुत सारा टैलेंट जो है ना वो ऐसे ही जो है ना बीच में रह जाता है। तो मैं ये एक जो सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके चैनल के ज़रिए, जिस भी बच्चे को उसके अंदर किसी भी किस्म का स्पोर्ट्स का टैलेंट है वो हमसे रابطہ कर सकता है, आपसे रابطہ कर सकता है। हम उसके टैलेंट को ना के पाकिस्तान में उसको इंटरनेशनल लेवल पे हम उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे और बच्चे को उसको डेफिनेटली प्रमोशन भी मिलेगी। दैट अ पर्सनैलिटी लाइक दैट ऑनर मी सिंपली। तो आपने देखा है, आपने बातें सुनी हैं कि हाउ सिंपल ही इज बट हाउ टैलेंटेड ही इज, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अभी तो तिश्ने की बाकी है, अभी पूछते हैं कि साहब आप कैसे इस फील्ड में आए। जी सर ब्रदर एक्चुअली मुझे ना ये एक होती है नेचुरल टैलेंट भी होता है स्पोर्ट्स का। मैं जब वन क्लास में था, छोटा बहुत छोटा था, मैं तब से ही जो सा स्पोर्ट्स की फील्ड के साथ इनू, उसी वक्त ही मार्शल आर्ट भी करता था, क्रिकेट भी खेलता था और मैं क्रिकेट के लिए मैं बड़े बड़े जो सा लड़के होते थे उनके साथ पंगा लेता था जब मैं वन क्लास में था। ये पंगे लेने क्या था, आपके बचपन से ही है इसीलिए आपने हारिस को सिखा के बिठाया, मैं उस प्रेस रिलीज में था तो आपने उसको सिखा के बिठाया था कि बड़ा करारा जवाब देना है। जी बस ऐसे होते, जब तक आप पैशन के साथ कोई चीज़ को करते नहीं है ना तो हम अपनी क्रिएशन नहीं कर सकते अपने टैलेंट को। टैलेंट को निखारने के लिए और आगे बढ़ने के लिए पैशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर पैशन होना चाहिए, विदाउट ऑफ पैशन जो है ना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके साथ अच्छे टैलेंट के साथ साथ आपके अंदर पैशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो सा मैं तो शुरू से लेकर पैशन के साथ ही काम करता रहा और अभी मुझे 30 इयर्स हो गए हैं राउंड अबाउट कि मैं कंटिन्यूटी स्पोर्ट्स के साथ मुंसलिक हूँ, ना कि मैं पाकिस्तान की स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ अटैच्ड हूँ। मैं ओवरऑल पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल लेवल भी बहुत सारी स्पोर्ट्स के साथ अटैच्ड हूँ और उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान का टैलेंट हम इस तरह जो सा वो निखारते रहें। व्यूअर्स, आपने देखा है कि मुल्क में पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी होने के बावजूद वसीम साहब ने किस तरह अपने मदद आपके तहत इंडिविजुअल, ना सिर्फ इंडिविजुअल बल्कि एक टीम को साथ लेके चले, उन्होंने कितने बेंचमार्क अचीव किए, कितने माइलस्टोन क्रॉस किए और फाइनली उन्होंने एक बहुत बड़ा पाकिस्तान ए टीम ने जो मार्का मारा अभी इंडिया को हरा के फाइनल में और वो आपके सामने ही है। तो ऐसे ही एक अभी हम मिलवाएंगे आपको वसीम साहब के बाद एक यंग टैलेंट से। तो हम लास्ट में वसीम साहब से मैसेज देते हैं कि हमारी यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए कुछ मैसेज दें हमारे चैनल के तवज्जो से। और अब हमारा चैनल ऑफिशियली वसीम साहब के साथ जॉइंट है। सर मैं अपने चैनल के बिहाव पे वसीम साहब, आपका जो भी टैलेंट हो, आपका जो भी इवेंट होगा उसको हम कवरेज देंगे और हम आज से आपके मीडिया पार्टनर हैं। जी थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। यकीन करें कि जो स्पोर्ट्स के लिए काम करते हैं, चाहे वो कि छोटा सा भी कोई होता है ना, मैं उसकी ना दिल के साथ रिस्पेक्ट करता हूँ कि स्पोर्ट्स एक ऐसी मैं चाहता हूँ कि हथियार है जिससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और मेरा मैसेज भी यही है दूसरे लोगों के लिए भी कि वो मस्त स्पोर्ट्स के साथ जो है ना वो मुंसलिक हों। आप बहुत सारी जो है ये आजकल मोबाइलों में हमारे बच्चे फंसे हुए हैं या दूसरी गैर ऐसी चीज़ें हैं उस पर फंसे हुए हैं, जब आप स्पोर्ट्स के साथ आएंगे आप इन सारी चीज़ों से बचेंगे और आप ज़रूर आप स्पोर्ट्स के साथ जो है ना वो मुंसलिक हों। है वसीम साहब ने कि ये मोबाइल्स से निकलें और एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ ताकि आप मुल्क का एसेट साबित हों, आप मुल्क का फ्यूचर हैं, एसेट हैं। इस खूबसूरत पैगाम के साथ, मैसेज के साथ अब हमारे नए गेस्ट जो हैं वो भी इन्वेंशन हैं, इन्वेंट किए हैं, एक्सप्लोर किए हैं वसीम साहब ने, तो हम अभी उनको बुलाएंगे। तो वसीम साहब से अब इजाज़त चाहेंगे, एक छोटे से ब्रेक बाद। व्यूअर्स कहीं जाना नहीं, we will be right back within no time coming।
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में फहद नवाज़ हाजिर है एक नए मेहमान के साथ। आप गए तो नहीं, जा भी कहाँ सकते हैं? पब्लिक स्लैब विद फहद नवाज़ छोड़ के आप उड़ जाएं, इम्पॉसिबल, आई कैन बेट यू। तो ऐसा ही प्यारा मेहमान आज मिलवाने लगा हूँ आपसे, बिल्कुल यंग, एनर्जेटिक, और आप सब लोगों के लिए, यूथ स्पेशली फॉर यू, आप लोगों के लिए रोल मॉडल फहद खुशी। मैं फहद नवाज़, ये फहद खुशी। अब मैं चाहूँगा कि फहद खुशी अपने बारे में खुद ही बताएं। वेलकम टू डीएमएच न्यूज़। थैंक यू जी, मेरा नाम फहद खुशी है, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा पैशन क्रिकेट है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, फैसलाबाद की तरफ से डिस्ट्रिक्ट भी खेला हूँ, और जितने भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं फैसलाबाद में वो सभी अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहा हूँ, और जो कम्युनिटी क्रिकेट फैसला अपना अरमीज भाई ने करवाई थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खेला हूँ। तो चार मैच में 51 की एवरेज से रन किए हैं उसमें। तो तकरीबन 2-4 दिन पहले क्वेटा में आल पाकिस्तान आज़ादी कप हुआ था, तो उसमें 32 प्लेयर इंटरनेशनल खेले पाकिस्तान की जो तरफ से खेले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी नाम आया, वो भी खेल के आया हूँ 3-4 दिन पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को। एज क्या है? एज मेरी 23 है जी। 23 साल की उम्र का एक जवानी नौजवान जिसकी इतनी अचीवमेंट्स हैं कि मतलब मुझे सहाफत में 2 डिकेड्स हो गई हैं, मीन के 20 साल से ऊपर हो गए, मतलब मैं नई नई चीज़ें देखता हूँ और अनबिलीवेबल होती हैं। जीवे हमारा पाकिस्तान, खुश रहे हमारा पाकिस्तान। तो कुछ खुशी अपने बारे में ज़रा इन शॉर्ट बताइए कि सिर्फ क्रिकेट ही आपका पैशन, या वो क्यों बना, कोई और स्पोर्ट क्यों नहीं, क्योंकि ग्लैमर है इसमें बहुत ज़्यादा और पैसा है इसलिए? जी, क्रिकेट एक बाई चांस गेम है, तो ये लाइफ का गेम है, ये कुछ दिनों में या कुछ सालों में नहीं आता, ये पूरी लाइफ लगानी पड़ती है इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू से लकी हूँ, मैं स्कूल लेवल पे भी कैप्टन रहा अपना 10 में, और इंटर में भी एक डिग्री कॉलेज की तरफ से कैप्टन रहा, फिर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से बहावलपुर टूर पर गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही क्रिकेट एक फैशन है, मेरा फेवरेट उमर अकमल है जिसकी वजह से मैंने क्रिकेट शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करूँगा कि आगे जितना हो सके पाकिस्तान। मेरा बड़ा क्लोज दोस्त उमर अकमल, अक्सर गपशप रहती है, तो उसकी तो बड़ी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, वो तो हमेशा ही अपने एटीट्यूड की वजह से, हालांकि पर्सनली आई नो हिम वेरी वेल कि वो ही इज़ अ वेरी नाइस जेंटलमैन, बड़ा हम्बल आदमी है, बट बस कुछ फेवरेटिज्म और कुछ, खैर मैं उस साइड पे नहीं, मैं अपने प्रोग्राम में कभी नेगेटिविटी वो नहीं करता। नहीं, वो एक अपना ना एक सेटअप होता है, गेम अलग होती है, टैलेंट जो होता है वो अलग होता है, और जो एक लाइफ होती है ओरिजिनल वो अलग होती है। उमर भाई की थोड़ी सी एक वीकनेस पॉइंट ये कह लें कि वो उनका जो एटीट्यूड है ना वो थोड़ा प्रॉब्लम गेम में आ गया। गेम उनकी, मैं समझता हूँ कि दुनिया में इस तरह का प्लेयर नहीं है, पावर हिटिंग, और सिर्फ जेन की वजह से उमर अकमल जो माइंड है ना उनका, तो उमर भाई से अगर बात पहुंचती है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अपनी तरह अपना सोचें, मुल्क का सोचें, तो ये जो थोड़ा सा अपना माइंड है ना वो चेंज कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आप इंटरनेशनल मतलब टॉप में आ सकते हैं। उमर, आपने मैसेज सुना, मुझे पता है कि आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं और बहुत शौक से देखते हैं, आई नो, क्योंकि बेतहाशा मुलाकातें हैं। तो इतने प्यारे मेहमान के साथ अब हम लेंगे आपसे थोड़ी देर का वक्फा, कहीं मत जाइएगा, we'll be right back। आपकी खिदमत में फहद नवाज़, स्लैब विद फहद नवाज़ का मेज़बान फहद नवाज़, फिर आपकी खिदमत में हाजिर एक इंतहाई फाइटर, इंतहाई आउट। मैंने क्या फ़ाइट करनी है, आप लोगों को फ़ाइट सिखाने के लिए मैंने इनको आज बुलाया अपने प्रोग्राम में। तो मिलते हैं और मिलवाते हैं आपको खावर साहब से, जो कि ताइक्वांडो स्पेशलिस्ट हैं। अभी ताइक्वांडो क्या टर्मिनोलॉजी है, ये गेम है, और इसमें पाकिस्तान की कोई अचीवमेंट्स हैं या नहीं हैं, वो हम खावर साहब की ज़बान ही सुनेंगे।
खबर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय प्रोग्राम पब्लिक सर्विस विद फहद नवाज डीएमएच न्यूज़। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक जी? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, बेसिकली मेरा नाम खावर महमूद है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। ताइक्वांडो इज़ द बेसिकली इज़ द वेरी फास्ट एंड समझने के बड़ी अच्छी गेम है बच्चों के नशोनुमा और आगे मामलात के लिए। ताइक्वांडो बेसिक मैं आपको बताता जाऊँ, कोरियन गेम है, कोरियन नेशनल गेम्स हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, 1995 से जो है ना वो ताइक्वांडो कर रहा हूँ। और मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो माशाल्लाह नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं। और इसी में मेरे काफ़ी तर ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो लाहौर कॉलेज, जीसी, यूएच में और भी बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जिनकी तरफ से वो खेलते हैं और उन्होंने अपने मुल्क का जो है वो नाम काफ़ी रोशन किया है। हम ऐसे ही है कि सारी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है, हर चीज़ों को देखना पड़ता है। फिटनेस जो है वो आजकल के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो समझता हूँ कि हर एक को जो है ना वो फिटनेस के तौर पे हर चीज़ करना चाहिए, क्योंकि ये मोबाइल और टीवी और इन जैसी चीज़ों से हमें निकलना चाहिए। अच्छी नशोनुमा के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए अपने बच्चों को भी ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसमें इन्वॉल्व हों और आगे से आगे जा सके। और क्या इसमें क्या आपको कभी किसी की सरपरस्ती सपोर्ट रही है? और हमारे मुल्क में ये टैलेंट कितना है और कहाँ तक हम इसको अचीव कर सके हैं? देखिए जी, ताइक्वांडो जो पाकिस्तान में वो 1973 से वर्क कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से इसका मराल बढ़ा है, कम नहीं हुआ। ताइक्वांडो ऑल द वर्ल्ड बड़ी फेमस है और ये नौजवानों के लिए बड़ी अच्छी और क्योंकि ये बेसिकली हाफ बॉडी गेम्स हैं, ठीक है, और हर कोई इसको अच्छी से जो है ना वो कर सकता है। और इसका ये है कि आगे स्कोप बहुत है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ पे भी आपको जो है ना इसका बहुत अच्छा स्कोप है। और बाकी इसकी रहनुमाई के मामले में देखें जी, डे बाई डे लोग जब आते हैं तो वो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो हम भी ऐसे ही है कि उस जब मैंने स्टार्ट की थी तो उस वक्त और अब की ताइक्वांडो में काफ़ी फ़र्क है, मगर अब ये है कि अब थोड़ी सी ताइक्वांडो चेंज हो गई है, उसमें जदीद में के टेक्नोलॉजी चीज़ें आ गई हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह देखेंगे जी कि अब पहले इंटरनेशनल लेवल्स पे जो है ना वो यहाँ मैचेस नहीं होते थे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हमारी फाउंडेशन है वो तो इंटरनेशनल लेवल्स के जो है वो मैचेस यहाँ करवा रही है और बच्चे भी इंटरनेशनल लेवल्स को फॉलोस कर रहे हैं और WTA के में के उनके पास सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, ग्लोबल लाइसेंस मौजूद हैं। तो ये बहुत बड़ी आई थिंक अचीवमेंट्स हैं इनके लिए। की रिवायत एंड में हम अपने स्पेशल गेस्ट से मैसेज ज़रूर लेते हैं, तो प्लीज़ आप 105 मुल्कों में लाइव देखे जा रहे हैं तो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज के लिए और प्यारे पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए प्यारा सा मैसेज। जी, मेरा एक है स्पोर्ट्स स्पिरिट्स जो है ना वो मस्ट रखें और एक दूसरे को जो ना स्पोर्ट्स करें, जितना भी आप कर सकते हैं करें, और जितना आप इस चीज़ को करेंगे उतनी आपके समझें कि आपकी हेल्प हो जाएगी दूसरों के लिए। कोई ऐसा प्लेयर है जो बहुत अच्छा है मगर उसके पास इतने माली वसाइल नहीं है कि वो आगे से कुछ जा सके या उसके पास है, तो प्लीज़ 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 आप उसकी ज़रूर हेल्प करें। पैसों को नहीं देखना, आपने अपने मुल्क के लिए देखना है, अपने मुल्क के बच्चों के लिए देखना है और उनको आगे से आगे लेकर जाना है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँ। व्यूअर्स, खूबसूरत मैसेज कि पैसा नहीं देखना, फ्यूचर देखना है, प्यारे मुल्क को देखना है, सोनी धरती को देखना है, प्यारे पाकिस्तान को देखना है। इतने खूबसूरत पैगाम के बाद मेरा बोलना बनता नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए फहद नवाज को इजाज़त दीजिए। चीफ कैमरामैन बिलाल अयूबी के साथ फहद नवाज, अल्लाह हाफिज़।